औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानल्लाहिल अज़ीम, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मी सना हाशमी सुहेल। वाह, ओके। मुझे आज क्यों अपनी आवाज़ थोड़ी सी डाउन लग रही है? गला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, देयर इज सम इको कमिंग इन माय माइक। आई होप आई एम क्लियर एंड ऑडिबल। तुम रहते हो। अच्छा जी जनाब, कैसे हैं आप? कैसा गुजरा आपका पूरा वीक? और मैंने फेसबुक वगैरह पे शेयर करना शुरू कर दिया है, आप लोगों के जो फीडबैक्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अच्छा, मुझे एक शिकायत है। नहीं, कोई बड़ी सी शिकायत नहीं है, छोटी सी शिकायत है, निक्की सी। तो शिकायत वो ये है कि आई वाज जस्ट नोटिसिंग कि हमारा जो यूट्यूब के चैनल पर अच्छा, समबडी इज मैसेजिंग मी, हेलो। ओके, तो यूट्यूब पे जो हमारे शोज को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्या बात हुई भाई? आप लोग शो को सिर्फ क्लिक करते हैं, सुनते हैं, बस फिर बंद कर देते हैं, दैट्स नॉट डन। यस, तो आपने करना क्या है? आपने सब्सक्राइब भी करना है जनाब। हाँ जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और वो अच्छा, पता है मैं बहुत सुनती थी ना कि डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देर इज अ बेल आइकॉन, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, सो वेन एवर माई न्यू ऑडियो क्लिप इज अपलोडेड, यू यू विल नो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो वो मैं अजीब सा लग रहा है, चलो खैर मैं भी शुरू हो जाती हूँ उसी तरह से बोलना कि जब कभी भी आप मेरा चैनल ट्यून इन करें तो प्लीज यूट्यूब पे, यस मैं आपको यूट्यूब की आर्काइव्स का बता रही हूँ कि जब आप यूट्यूब पे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक द शो यू हैव टू क्लिक द लाइक आइकॉन। यस जी, वैसे मुझे एक बड़ा ना, पता नहीं, आई डोंट नो, आई वाज द अदर डे आई वाज लिसनिंग सम म्यूजिक, और उसमें ना एक बड़ा मजे का वर्ड आया, जस्ट शेयरिंग द वर्ड, मुझे मुझे वो बोलने में बड़ा मजा आया, दैट्स अ शिमारू। आई डोंट नो व्हाट इज द शिमारू, इज लाइक यू हैव टू क्लिक ऑन द शिमारू, बट आई डोंट नो व्हाट एवर। खैर, पता नहीं, वो यूट्यूब की अपनी अपनी चीजें होती हैं, शायद शिमारू इज सब का सम काइंड ऑफ यू नो कंपनी, और आई डोंट नो व्हाट एवर। खैर, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? अच्छा, आज हमारे पास ना बड़े सीरियस किस्म के गेस्ट आने वाले हैं। सीरियस मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो ही इज अ वेरी जॉली पर्सन, यस आई मेड आउट फ्रॉम हिज वॉइस ही इज। तो आज हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इमरुल, और मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करती हूँ टिल द टाइम ही इज एक्चुअली ज्वाइनिंग अस। तो जी जनाब, वो न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन करेंगे, ही इज फिजिकल थेरेपिस्ट, और माशाल्लाह उनका काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन दिनों के अंदर मतलब जो इस तरह के प्रोफेशंस हैं, लाइक स्पेशली फ्रॉम यू नो नर्सिंग साइड, फ्रॉम द यू नो डॉक्टर साइड, और जो हमारी जो ये जो हालात चल रहे हैं आजकल, तो बहुत माशाल्लाह दे आर फ्रंट लाइन ऑफिसर्स, और वो बड़े अच्छी तरह से अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। और आई रियली सो मच वॉन्ट टू अप्रिशिएट, आई विश, मतलब मैं ना, मैं वाकई में तहे दिल से उन तमाम सोल्जर्स के हम मशकूर हैं जो इतनी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद कर रहे हैं। यही वो जज्बा होता है जो अल्लाह के घर में कबूलियत बहुत बहुत कबूलियत रखता है। तो आप ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी का तकाजा क्या है? अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना बड़े
स्पेसिफिक हो जाते हैं कि यार आपको पता है हमारा मजहब, या हम अपने मजहब के बारे में बात कर रही हूँ कि हमारा मजहब जो है वो हुकूकुल इबाद का भी उतना ही पर भी उतनी ही जोर देता है जितना कि हुकूकुल अल्लाह पर होता है। तो ये जो सोल्जर्स हैं जिस तरह से इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ इनको अप्रिशिएट कीजिए, इनका साथ दीजिए। तो मैं इस सर्कल से अक्सर लोगों को बुलाती रहूँगी और आई एम श्योर आपको वो बताएंगे कि उनकी स्ट्रगल किस तरह से रही है वो, और किस तरह वो अपने प्रोफेशन में जिस मकाम पर आज हैं किस तरह पहुंचे, और वो किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। दैट विल बी आई एम श्योर वेरी इंस्पायरिंग सेशन फॉर यू। एक्चुअली आई वॉन्टेड कि ये थोड़ा सेशन हमारा बड़ा हो जाए, तो वैसे पता नहीं कि जब जब कभी भी आई फील टाइम फ्लाइज व्हेन आई एम ऑन द रेडियो। तो आई गेस ही विल बी ज्वाइनिंग अस इंशाल्लाह से अराउंड 9 o'clock। तो वो तमाम लोग जो थोड़े बड़े यू नो साथ साथ काम कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ आप 9 बजे तक बिल्कुल फारिग हो जाइएगा और हमारे साथ डॉक्टर इमरोल होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर हमें भेजिए। अच्छा, इमरोल जो है ना वो सिर्फ मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा बड़ी सारी कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं वो, उनके ऑनलाइन क्लिनिक भी है। और खैर व्हेन ही इज़ कमिंग तो वो आपके साथ शेयर करेंगे और मैं भी साइड बाय साइड उनके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करती रहूंगी। अदरवाइज उनका लाइक ही हैज ह्यूज एक्सपीरियंस, ही हैज बीन इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, बांग्लादेश से भी उनका उनका ताल्लुक रह चुका है, और फिर अभी वो US में हैं, और वो बहुत सारा रिच रिच एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर आप लोगों के लिए वो ओके सो वो बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। एंड यस, जैसे मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को रेडियो पर लाती रहूँगी, तो आई एम श्योर जिस तरह से, अच्छा पिछले दिनों मुझे बड़े अच्छे फीडबैक्स आए। थैंक यू ऑल फॉर यू नो सेंडिंग योर लवली विशेज एंड मैसेजेस फॉर आर गेस्ट एज वेल एंड फॉर द रेडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने स्वीट मैसेजेस भेज रहे होते हैं। सो हियर हु हैज़ जस्ट ज्वाइन इन, गुड मॉर्निंग केस। So Casey has tuned in our show. We are saying welcome to her. And yes, last Sunday she was with us here on the radio. And inshallah we'll have her soon. Or okay, so who else is there with us? अच्छा मुझे बड़ा ना वो जब मैं रेडियो कर रही होती हूँ तो वो मैसेजेस साइड साइड में आते, मुझे बड़ा वो इंट्रीक करते हैं। आई वांट टू रीड देयर मैसेजेस। अच्छा अनीस, आई डोंट नो इफ यू आर देयर, अनीस रहमान, इफ यू आर देयर से हाय हियर बिकॉज़ आई कैन सी योर स्टेटस इज यू नो एक्टिव। एंड देन तलहा सलीम चौधरी, ओके। अच्छा कभी कभी होता है कि आधा नाम पढ़ लो ना तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो खैर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लोगों का पूरा नाम ही शाउट आउट करूँ। और कौन कौन है हमारे साथ, वाओ स्ट्रेंथ इज वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों का शो सुनने का। अच्छा जी, सो टुडे देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वांट टू टॉक अबाउट इज के बच्चे, जाहिर सी बात है हमारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे मुस्तकबिल, तो बच्चों का इस पेंडेमिक में किस तरह ख्याल रखा जाए। पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टास्क है। वैसे यहाँ आई हैव रिसेंटली हर्ड, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, लेट्स सी, बट आई हैव हर्ड दैट गवर्नमेंट इज हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू रीओपन स्कूल्स फ्रॉम January 4th, आई गेस। लेट्स सी, प्रोवाइडेड इंशाल्लाह गॉड विलिंग सिचुएशन यू नो इज अंडर कंट्रोल, डेफिनेटली दे आर प्लानिंग टू रीओपन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज लाइक रेगुलर। लेट्स सी, we can just pray. So till that time like when kids are at home, so what you have to do, obviously it is a challenge for parents and for kids as well to stay at home. Aap dekhe ke abhi lately in fact main today in the evening when I was just noticing ke acha there is a huge park in front of my like my window opens in a park और इट्स अ ब्लेसिंग आई वुड से। तो मैं खैर वहाँ देख रही थी कि बड़ी सारी फैमिलीज आई हुई थी,
और बच्चे भी थे. और सिंस वी लिव इन यू नो द कम्युनिटी वेयर मोस्टली पीपल आर वेल एजुकेटेड बट स्टिल यू नो आई वुड रिक्वेस्ट यू नो माय पीपल प्लीज डू गिव पास टू किड्स इफ यू आर कमिंग आउट इन यू नो इन द पार्क और यू आर गोइंग टू बाजार. फर्स्ट थिंग इज आई सजेस्ट यू शुड अवॉइड टिल द टाइम द सिचुएशन मेलो डाउन. बिकॉज जब तक कम अज कम सिचुएशन अंडर कंट्रोल की तरफ नहीं आती है तो प्लीज 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 आप लोग एहतियात कीजिए. आई ऑफन सी किड्स आर नॉट वेयरिंग मास्क, पेरेंट्स आर इवन नॉट यू नो टेकिंग केयर ऑफ वेयर दे आर लिकिंग वेयर दे आर टचिंग. इट्स लाइक मेरे लिए तो बड़ी हॉरिबल साइट होती है जब मैं देख रही होती हूँ. और मैं कभी दिल चलता जाके पेरेंट्स को प्लीज यार अगर आप बाहर लेकर आ ही गए हो तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि प्लीज कीप एन आई ऑन योर किड्स के वॉट दे आर डूइंग. एनीवेज खैर वो लोग जो घरों में यू नो दे आर प्रेफरिंग दे आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग और इन ट्रू स्पिरिट आई नो इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर पेरेंट्स फॉर किड्स बोथ. तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. अच्छा बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको हर जगह से ना डिफरेंट डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं. और आप देखिए जब भी कभी इस किस्म के हालात आते हैं तो लोग अपनी यू नो मतलब अपना मंजन चमका चमकाना शुरू कर देते हैं कि वो हर एक आके ना कोई नई स्टोरी बता रहा होता है. तो आप कोशिश कीजिए गो टू ओनली ऑथेंटिक साइट्स लाइक यू गो टू यूनिसेफ यू गो टू यू नो यूएन साइट्स सीडीसी आपको जहाँ से बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है. ये नहीं कि आप किसी भी पोर्टल पर जाके कहीं से भी कोई भी अजीब वियर्ड किस्म के ना मतलब मशवरे दिए जा रहे हैं कोई भी कुछ भी कह रहा है और आप फॉलो कर रहे हैं. ठीक है फर्स्ट थिंग इज यूज योर ब्रेन. ओके डू वॉट इज राइट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली. डू नॉट कम अंडर कंपल्शन ऑफ के कोई किसी ने ये कह दिया कि जनाब फला चीज जो है वो आप यूज कर ले तो ये हो जाता है तो वो हो जाता है. नो प्लीज डोंट डू दैट. अच्छा जो मुझे कुछ मदर्स ने लिखा था कि सना आप इस बात के बारे में बात कीजिएगा कि बच्चे घर में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल किड्स एट होम ऐसे मिजाज के पेरेंट्स आर इवन लूजिंग ऑन द किड्स बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट यूज टू. अब होता ये है कि यू नो व्हेन दे हैव स्कूल एंड यू नो देयर एक्टिविटीज दे गो आउट दे स्पेंड टाइम देन पेरेंट्स ऑल्सो हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स. तो अभी क्या हो रहा है कि व्हेन दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स एंड दे आर नॉट गोइंग मच आउट और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है तो हालात थोड़े से ना मुश्किल हो रहे हैं. अच्छा कुछ चीजों का इसमें ख्याल रखने की बहुत जरूरत है. वो ये कि आपने ना ये चंद चीजें हैं आप अगर इनका ख्याल रखें यकीन करें हालात बहुत हद तक सुधर सकते हैं बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं. वो ये कि आपने अपने बच्चों के साथ ना अपना अपना रिश्ता दोबारा से ऑब्वियसली हर एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली वो माँ की ममता और बाप की चाहत डेफिनेटली होती है लेकिन हालात के जो तकाजे हैं ना वो हमें थोड़ा सा मजीद कुछ स्टेप्स आगे लेने के लिए कह रहे हैं. वो इस तरह से कि आजकल आपने क्या करना है कि फर्स्ट थिंग इज लिसन टू योर किड्स. आप अपने बच्चों को सुनिए. ठीक है अब जैसे ये वायरस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको क्या लगता है मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज के जहाँ से इन्फॉर्मेशन बच्चों के कानों तक पहुँच रही है. यू टर्न ऑन टीवी आप देखो टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है देन किड्स आर रीडिंग समथिंग समवेयर देन यू नो मे बी इफ दे आर प्लेइंग गेम और समथिंग ये इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड की जा रही है. ठीक है और कुछ जगहों पे तो बड़ी स्कैरी अंदाज में बम्बार्ड की जा. अब बच्चे जो हैं दे आर इनोसेंट लाइक उनके जो जहन है मासूम मासूम से वो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह ले रहे हैं ये आपको कैसे पता चलेगा. वो ऐसे पता चलेगा कि आप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बात कीजिए. उनसे पूछिए कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस यू नो पैंडेमिक. जस्ट सिंपली आस्क अ क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है आप क्या समझे हैं आपने कुछ सुना है इस बारे में ये क्या चीज़ होती है. पहले सिर्फ उनकी बात सुनिए. ठीक है फिर आप देखिए उसमें नोटिस कीजिए कि आर दे रियली स्कैर्ड आर दे टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज यू नो स्कैरिंग दैम और दे आर जस्ट टेकिंग इट कैजुअल और आर दे अवेयर ऑफ के उनको इसके बारे में किस तरह यू नो चलना है और इसको किस तरह से लेना है. आप उनको हेल्प कीजिए समझने में. ठीक है अगर आपको लगता है वो यू नो वरिड साउंड कर रहे हैं या स्कैर्ड साउंड कर रहे हैं तो उस चीज़ को ना उन्हें समझाइए.
जस्ट टेल देम देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज समथिंग नॉर्मल एंड कॉमन, ओके, दिस हैज बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड. इस तरह के एपिसोड्स आते ही रहते हैं, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट कि हमें उस चीज़ को किस तरह से रिएक्ट करना है. आपको उनको सिखाना ये है कि उन्हें इस चीज़ के बारे में कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह उनको SOPs का ख्याल रखना है, किस तरह इस चीज़ को समझना है. बच्चों को एजुकेट करने का तरीका होता है, और वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे खौफजदा ना हो उस चीज़ से. ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको खौफ को उनके दिल से निकालना है. दूसरा ये कि आपको समझाना है ये क्या चीज़ है. तीसरा ये कि आप उनको ये बताइए कि इससे आपको अपना ख्याल किस तरह रखना है, सो दैट एनी टाइम लाइक यू आर नॉट लुकिंग एट दैम. और बच्चों को पता होना चाहिए कि उनको किस चीज़ का किस तरह से ख्याल रखना है. ऑटोमेटिकली यू जस्ट टेल देम हाउ टू डील विद द सिचुएशन. यू डोंट नीड टू स्टैंड ऑन देयर हेड ऑल द टाइम, जस्ट टेल देम हाउ टू डील विद द सिचुएशन. अच्छा, अब आप ये समझाने के बाद ना सिचुएशंस देखिए, आप उनको ऐसे सिचुएशन में दीजिए कि जस्ट चेक आउट कि वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं. जो आपने बात समझाई थी क्या उनको समझ में भी आई है, और अगर आई है तो क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि यू हैव टू वेयर मास्क व्हेनेवर यू गोइंग आउट. अब आपने बता दिया, ठीक है, और बच्चों को बता भी दी वजह कि क्यों हमें पहनना है मास्क. अब आप यू नो जस्ट अबाउट टू स्टेप आउट एंड सी क्या बच्चों ने इस बात को याद रखा कि उन्हें मास्क पहनना है. जस्ट वेट, डोंट यू डोंट नीड टू नो नो वेयर मास्क. ये जिस चीज़ क्या उसको याद रहता है बच्चे को. इसी तरह जब वो बाहर जा रहा है तो उसको किस तरह से अपने हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, या फिर किस तरह से चीज़ों को लोगों को किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपने समझा दिया. और आप बाहर जाके देखिए क्या वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह तरबियत करना शुरू करें. मुझे पता है आजकल या तो एक तो पता नहीं शायद ये कोई एक ऐसा बिहेवियर है जो कि एटलीस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड लोगों ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई डोंट नो और मे बी दे थिंक यू नो दिस इज ऑल रूमर, दिस इज ऑल गिमिक, दिस इज ऑल यू नो दे आर ऑन द स्ट्रीट्स, यू सी एट द पिकनिक स्पॉट्स, यू सी देम हाउ दे आर बिहेविंग. आई मीन लाइक रेस्टोरेंट्स में आप देखो दे आर मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है ना, मतलब हमने तो बजा देनी है कि हम तो बहुत बड़े 30 मार खान हैं और हमारे अस्तगफार प्लीज़ खुदा के लिए दिस इज़ समथिंग सीरियस. बी केयरफुल अबाउट इट, बी केयरफुल अबाउट इट प्लीज़, इफ नॉट फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर योर लव्ड वंस प्लीज़, जस्ट अ रिक्वेस्ट. अच्छा, और दूसरा ये क्या करना है कि आप जब घर में हो तो ऑब्वियसली आपके डेली रूटीन भी अफेक्ट हुई है, और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो दिस इज समथिंग नॉर्मल कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है एंड वी टेंड टू लूज ऑन स्मॉल थिंग्स. तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने बिहेवियर को भी चेक करना है. How am I reacting to the situation? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न हो गई हूँ या हो गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बच्चों को के ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर बिला वजह ही ना यू नो अपना एंगर निकालना हूँ या निकाल रही हूँ. तो इस चीज़ को भी ज़रा अपने अंदर कंट्रोल के अंदर रखिए और उस चीज़ को देखिए. फिर तीसरा ये कि बच्चों को कोशिश कीजिए आप ऐसा माहौल फराहम करें कि जहाँ पर उनको फॉरन डिस्ट्रैक्शन मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कहीं पे बच्चा जो है वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं डिप्रेस नज़र आ रहा है या फिर स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहा है, या फिर बच्चे को ऑब्वियसली यू नो द किड वॉन्ट्स टू गो एंड मीट इन द फैमिली और द फ्रेंड्स और यू नो विद हिज स्टूडेंट्स, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहता है और वो बड़ा अपसेट हो रहा है, उलझ रहा है. तो आपने क्या करना है ऐसे ऐसे वक्त के लिए, ऐसे वक्त के लिए उसके लिए एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन का ख्याल रखना है. वो ये, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप उसके साथ कोई लाइक आप जब अपना कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखेंगे ना बच्चे के साथ, तो आपको पता होगा मुझे अपने बच्चे को किस वक्त लॉलीपॉप देनी है. जी, वो डिस्ट्रैक्शन की लॉलीपॉप्स आपने रेडी रखनी है. फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे को किसी आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर दिलचस्पी है, या यू नो इफ द किड इज मोर इंटरेस्टेड इन यू नो लिसनिंग स्टोरी और टेलिंग स्टोरीज और यू नो एनी होम एक्टिविटी, इंडोर गेम है कोई, तो बच्चे को ना बात करें, ठीक है बेटा आपकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल जायज़ है, यू मस्ट बी मिसिंग योर फ्रेंड्स और यू नो गोइंग आउट एंड ऑल, बट ड्यू टू दिस सिचुएशन लेट्स पोस्टपोन इट. So when you know in the coming days inshallah when things are fine definitely we'll take you out. Yes, you are saying it right, and till that time let's enjoy this thing. I tell you something very new. I'll take you somewhere you know where you will find altogether new activities and
थोड़ा थोड़ा बात कर करके करके ना आप उसको कन्विंस कीजिए कि वो विलिंगली उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ आ जाए जिसकी तरफ आप लेकर आना चाहते हैं. आप उसको यू नो बिलीव मी दिस इज व्हाट आई ट्राइड विद माय किड्स एज वेल, कि यू इन्वॉल्व देम इन योर ओन डेली रूटीन. फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन आई डू डस्टिंग, आई टेल माई किड्स के ओके हेल्प मॉम इन डस्टिंग एंड दे डोंट माइंड इट, दे थिंक इट्स अ फन. ओके, और वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उसको एक एक्टिविटी समझ के ना वो सारा मतलब भूल जाते हैं एंड यू नो दे स्टार्ट हेल्पिंग मी आउट. दिस इज अ वंडरफुल थिंग. आई टेल यू, अगर आप अपना और बच्चों का इस तरह से ख्याल रखेंगे ना तो आई टेल यू थोड़ा सा तो टाइम रह गया. इंशाल्लाह देर इज ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग इन एवरी ग्रे क्लाउड, तो ये भी गुजर जाएगा. और आजकल खैर मुझे पता है कि सभी के लिए टफ सिचुएशन है, लेकिन हंसते खेलते हमें ये वक्त तो गुजारना ही है ना. और अगर मुश्किल वक्त को हंसते हुए गुजार दें, मुस्कुरा के गुजार दें, तो उसको उसको गुजारना आसान हो जाता है. ये दीवाना कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना. बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही. लड़खड़ाए कदम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. तनहा तनहा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है. किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, सारे अच्छा ओके अच्छा मेरी खुद की भी तो डिस्ट्रैक्शंस कम नहीं है ना. अच्छा जी मुझे ना किसी ने कहा है कि सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग होती है, तो उसके उसके हिसाब से ना किसी ने मुझे एक खैर इट्स ओके जस्ट अ मोमेंट. तो मुझे किसी ने ना बड़े उनको आजकल मसाइल हुए हुए हैं वो इस वजह से कि यार ये क्या सर्दियों में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है. वैसे हमारे यहाँ मुझे किसी ने अजीब सा मैसेज भेजा था कि पाकिस्तानी आवाम को ना आदत हो गई है गर्मियों में वो वापदा वालों को खूबसूरत अलकाबात से नवाज रहे होते हैं और सर्दियों में गैस वालों को सीधा धर्म का. ओ माई गॉड, पता है उन बेचारों के साथ क्या होता है, या फिर अदरवाइज मच्छरों और कीड़े मकोड़ों सुना रहे होते हैं. तो हमारी कौम को एक आदत पड़ चुकी है सुनाने की. नहीं जनाब, खैर मसाइल तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खैर सभी लोग इसी इन्हीं मसाइल में गुजारा कर रहे हैं और खुश भी हैं. तो आप उनसे ज़रा फार्मूला पूछिए कि किस तरह खुश रहते हैं तो आपका भी गुजारा हो जाएगा. खैर ये लोड शेडिंग के बारे में उन्होंने मुझे भेजा है कि आजकल धुंध की वजह से लोड शेडिंग हो रही है. एक्चुअली होता ही है कि बिजली के तारों को नहीं, बिजली को तारें नजर ही नहीं आती हैं. वेरी लेम, आई एम सॉरी, मतलब वाकई में अच्छा खासा फजूल था, आपने पता नहीं क्यों भेज दिया. मुझे मजा नहीं आया, बिलीव में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया. ओके अजय जी. किसी ने ना ये बताया, अच्छा आपने देखा होगा कुछ लोगों को मैं, अच्छा आई रियली वॉन्ट टू, बिफोर आई शेयर दिस आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस विद यू, कि देर आर सर्टेन टाइप ऑफ पीपल कि होता क्या है कि आप फेसबुक पर कुछ भी लिखते हैं ठीक है, और उनको ना
आके ना टांग अड़ानी होती है, मतलब दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. व्हाटएवर कैपेसिटी दे आर देयर, दे जस्ट हैव टू टेल पीपल, क्योंकि बेचारे वो वैसे तो नजर आते ही नहीं है. ठीक है, होता ये है कि उनको बताना होता है कि सी मेरा इतना बड़ा सा मुंह है और इतना बुरा भी बोल सकता हूँ मैं उस मुंह से, या बोल सकती हूँ उस मुंह से. ठीक है, उनको बताना होता है कि आपने कोई भी सिंपल प्लेन पोस्ट आप डाल दें और वहां जाके ना फिर आप, ठीक है, देखिए आई नो व्हेन यू आर शेयरिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, इट्स अ एंड यू आर मेकिंग दैट पोस्ट पब्लिक, तो पब्लिक हैज ऑल द राइट टू कम एंड राइट व्हाटएवर दे वांट टू. लेकिन फिर इसके साथ साथ देखिए, अगर किसी ने ये जरूरत कर ही ली है कि वो आके पब्लिकली कोई भी अपनी चीज शेयर कर रहा है, आपको बता रहा है, तो आपको, ठीक है, जरूरी नहीं आप अग्री करें या उसे लाइक करें. ठीक है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल. और आप उसे डेफिनेटली, मतलब आपको पसंद नहीं है, इग्नोर कर दें यार, आगे बढ़ जाओ. लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ आके ना कोई बहुत ही खूबसूरत सी अपनी तरह की बात, आप समझ गए होंगे मेरा खूबसूरत कहने का मकसद क्या है यहाँ पर, अपनी तरह की कोई भी बात ना उन्होंने आके कर देनी है. अच्छा, उसके बाद ना दे वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. अच्छा ठीक है भाई, रिस्पॉन्स आएगा, मतलब वॉट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस, वॉट डू यू गेट आउट ऑफ इट. मतलब क्या ऐसा कुछ करने से, किसी के बारे में कुछ भी गलत लिख देने से या बोल देने से कि आपको क्या उसमें मिल रहा होता है, मतलब यू नो इफ यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, फेयर इनफ यार भाई, ठीक है, आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको कोई यू नो यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, यस टुडे आई बैड माउथ अबाउट 100 पीपल एंड आई सेड यू आई कॉल्ड नेम्स टू पीपल एंड वाओ आई एम फीलिंग सुपर. इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई वंडर इफ यू आर, तो आप बताइए, मतलब ऐसे सब कुछ करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका कैरेक्टर दूसरे आदमी को नहीं पता चल रहा होता है, आप किसी को आके डिफेम कर देते हैं. ठीक है, यू राइट एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू, आप अब जाहिर से बात है कोई आपसे बोल तो सकता नहीं है कुछ, आपने जो दिल चाहना है आपका आपने वो लिख देना आके. तो आप अपने पागलपन में अगर कुछ भी लिख रहे होते हैं, ठीक है, आके किसी के बारे में कोई भी गलत बात कर देते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली जो पर्सन सुन रहा है कोई भी अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता, गलत नहीं सुनना चाहता. अब जो ठीक है जिसके बारे में आपने कहा, सो तो कहा ही, लेकिन उसके और दूसरे यू नो फैंस भी हो सकते हैं और उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उसकी फैमिली भी हो सकती है, वो उसको पढ़ते हैं और उनके भी यू नो माइंड के अंदर समहाउ आई नो ऑब्वियसली दोज हु नो आपको जो जानते हैं वो तो कभी भी कोई भी राय आपके बारे में कायम नहीं करेंगे. लेकिन हो सकता है 10 में से शायद कोई एक आध ऐसा हो जो ये कह के, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबली हाँ ठीक है ऐसा ही है. आपने अपने एक करप्टेड माइंड से दूसरे को भी करप्ट कर दिया. ठीक है, आपको क्या लगता है, व्हाट यू आर अर्निंग हियर, मतलब आपको आज व्हाट यू हैव अर्नड हियर, आपने अपने जहन का जो पॉइजन है ना वो दूसरे आदमी के भी जहन में डाल दिया, वो भी उसी तरह सोच रहा है. ठीक है, अच्छा अब आप ये सोचिए कि जो भी आपने मुगलजात सुनाई हैं उसका असर दूसरे की पर्सनालिटी पे क्या हो रहा है. एक आदमी जिसने आपको कोई यू नो जिसका आपसे कोई वास्ता भी नहीं है, आप उसके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं और आप दूसरों के साथ भी उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं और दूसरे भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है कर लीजिए जनाब, लेकिन कब तक करेंगे, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डू दैट. A time will come, you will get bored. You will have some other attraction or activity. But what do you think? क्या ये मामला यहीं खत्म हो गया? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. तो सोचिए जब ये मामला आपकी तरफ रुख लेगा और कहीं और से लेगा तो फिर सोचिएगा. छोटी सी बात थी, मैंने सोचा कि कुछ वो लोग जिनको बड़ा शौक है मेरी पोस्टों पर आकर लिखने का, उनको थोड़ा सा चेहरा करा दो. अच्छा खैर, तो अच्छा जी, किसी ने पूछा टांगों के बगैर आप कैसे लगेंगे, यकीनन बुरे ही लगेंगे, इसलिए दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाएं. अच्छा जी, ये उसके बारे में था सब कुछ. ओह गॉड, ये वियर्ड फैक्ट्स हैं. ठीक है, खैर वैसे फैक्ट्स तो हैं. तो सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं वैसे आपकी? दिस इज़ वॉट आई हैव हर्ड, आई डोंट नो एंड अल्लाह नोज बेटर, बट द वेदर फोरकास्ट सेज़ लाइक 5 डेज आफ्टर
गोइंग टू बी यू नो माय गॉड, यहाँ पे शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बर्फबारी होना शुरू हो जाए, कराची में बर्फबारी, वाह. खैर मौसम की सर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है. सुनने में आया है कि आइंदा आने वाले पांच, देखिए मैं आपको ना मौसम की सूरत हाल भी सुना सकती हूँ. आइंदा आने वाले दिनों में टेम्परेचर मजीद बढ़ जाएगा, मेरा नहीं मौसम का. यार मुझसे किसी ने बड़ा सीरियस इशू डिस्कस किया है और मैं उन्हीं की जबानी आपको सुनाती हूँ कि दिस इज रियली अ कंसर्न. और वैसे हम में से हर एक या तो गुजर चुका है इन हालात से, या फिर शायद अभी गुजर रहे हो, या कुछ का शायद गुजरना बाकी हो. ठीक है, वो ये कि चले मैं उन्हीं के जबानी सुनाती हूँ कि एक सवाल पूछा गया कि आज तक रिश्ता देखने आने वालों के इनकार की जो जो वजूहात बताई हैं, इनमें से अब तक की सबसे मज़हका खेज वजह आपको कौन सी लगी. आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ स्पेशली मैंने पाकिस्तान में तो बहुत नोट किया, आई एम श्योर आई डोंट नो इफ इन इंडिया इट इज़ लाइक दिस, कि ये जो रिश्ता देखने की मुहिम होती है ना, ये बाकायदा एक एडवेंचर होता है. और जो रिश्ता देखने जा रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन पे भी रहम करे, और जिन बेचारों के साथ जो कुछ किया जा रहा होता है वही जानते हैं कि फैमिलीज़ को किस बुरी तरह से ड्रैग किया जाता है. एक्चुअली ये बड़ा खूबसूरत अक्कासी है उस तमाम माहौल की कि जो हमारे यहाँ के लोग दूसरे घरों में जब रिश्ता देखने जाते हैं और जो जो हालात वो पैदा कर रहे होते हैं. मैं उसी सिचुएशन की तरफ आप लोगों को लेकर आना चाह रही थी कि अल्लाह ताला इन सब लोगों पर रहम करे. खैर, तो सबसे मज़ाक़ खेज़ वजह आपको कौन सी लगी. मुख्तलिफ जवाब थे और बेतहाशा जवाब थे, इनमें से सबसे कॉमन इस्तखारे में ना आना था. अच्छा जी, वैसे तो खैर अब यह हाल हो चुका है कि एक दीनी मशावरत को हमने मजाक और बहाना बनाकर रख दिया है. ये जवाब किसी अनपढ़ या उजड़ बैकग्राउंड रखने वालों ने नहीं दिए, ये सवाल एक पढ़ी लिखी महज़ और तमीज़ रखने वाली जेंट्री से किया गया था. लम्हा फिक्र यह है कि हम माशरती अबतरी की इंतहाई निचली सतह पर खड़े हैं, जहाँ सिर्फ मादा परस्ती है, जहाँ रख रखाव क्या होता है, वजादारी क्या होती है, हम इससे कतई ना बलद हैं. फिर हम ये शिकवा करते हैं कि लड़के लड़कियों की उम्रें निकले जा रही हैं और वक्त पे शादी नहीं हो रही. कुछ जवाब और अपने इर्द गिर्द के लोगों के तजुर्बात शेयर कर रही हूँ, पढ़िए और सर धुनिए. हाँ, वैसे वाकई में इसमें सर ही धुना जा सकता है कि अक्सर आप देखिएगा ये उस किस्म के, लड़की मोटी है, ओके, लड़की बहुत पतली है, ये तो ओ माई गॉड, मतलब लड़कियों के मोटा और पतला होने का. अच्छा भाई, खैर अपने उल्टे तवे को भी देख के जाया करें. खैर, लड़की काली है, वाह ओके यार, ग्लोन लवली इज देयर. लड़की का भाई मोटा, यार कम ऑन, लड़की का भाई मोटा है इससे आपको क्या मसला है. लड़की का बाप काला है, अच्छा. लड़की हिजाब नहीं करती, अच्छा. ये तो बहुत ही बड़ा मसला है. ठीक है, ये आपका मसला है ना, ये उसका और अल्लाह के दरमियान का मामला तो खत्म हो गया है. उसके मुनकर नकीर जो है ना वो आपके कंधों पर बैठते हैं, है ना, ऐसा ही है ना. लड़की हिजाब नहीं करती है, लड़की को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसे हिजाब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. ठीक है, तो खैर वल्ला आलम, यहाँ पे मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये एक हिजाब का जो मामला है वो इंसान को खुद समझना चाहिए, ना कि कोई आप पर इस बात के लिए उंगली उठाए कि लड़की को हिजाब नहीं करती है. फिर कुछ जगहों पे ऐसी भी सिचुएशन होती है कि लड़की हिजाब करती है, अच्छा भैया बेचारी वो हिजाब भी कर रही है तो भी मसला है. अच्छा, लड़की की दाढ़ी है, क्या हुआ, मतलब इंसान नहीं है, दाढ़ी निकलने के बाद क्या वो एलियन बन जाता है, लड़के की दाढ़ी नहीं है, मतलब क्यों यार, ये तो आपकी अपनी मजहब में है, आप अपनी ही मजहबी इकदार के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, दिस इज सो सैड. लड़के की माँ जोर जोर से बोलती है और मुंह खोल खोल के हंसती है. चलो जी, लड़के की माँ की भी क्लास हो गई. तो लड़के की बहनें बहुत हैं क्या, अच्छा वैसे लड़के किसी लड़के की बहनें बहुत सारी हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हेलो नंदे बहुत सारी हैं तो फिर. लड़के की माँ को लड़की समझ नहीं आई, अच्छा माँ को समझ नहीं आई, ठीक है चलें सही है. रिफ्रेशमेंट प्लास्टिक के बर्तनों में सर्व किया,
इनके घर में कांच का डिनर सेट भी नहीं है। लड़के वाले किराए के घर में रहते हैं, लड़की वाले जिस इलाके में रहते हैं वो हमारे मेयार का नहीं है। वाओ, लड़के के पास गाड़ी नहीं है। आप सैयद हैं, हमने अपनी मामू की शादी सैयद लड़की से की तो मामू मर गए हैं। लड़की वालों के ड्राइंग रूम में पर्दे पुराने थे, सेंटर टेबल पे एस्ट्रे तक की नहीं थी। लड़की वालों के घर में टीवी छोटा था, कबाब मजे के नहीं थे, समोसों के साथ केचप नहीं रखा था। लड़का 3 केले खा गया था। लड़की ने पुराने फैशन के कपड़े पहने थे। लड़के की बहन की नन की सास को आपकी फैमिली पसंद नहीं आई। हमें 19-20 साल की लड़की, डॉक्टर लड़की चाहिए। वाह। खैर, लड़की का मुंह शुरू होते ही खत्म हो गया। आपकी बेटी चश्मा पहनती है? लड़की वालों की सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं है। कल को हमारे बेटे पे जिम्मेदारी पड़ जाएगी। जिस दिन लड़की देखने आए, इस दिन लड़की के खाला को हार्ट अटैक आ गया। लड़की मनहूस है। आपके घर से रिश्ते देखकर गए और हमें तबाह। इब्तदाई गलत हुई, हमें नहीं करना चाहिए। लड़के की दादी भी साथ रहती हैं और बेवा फूफो भी। इस घर में हमने बेटी नहीं देनी। लड़का इंजीनियर होकर कॉलेज में क्यों पढ़ा रहा है? लड़की डिसेंट है, हमें प्रॉपर डॉक्टर चाहिए। लड़के की प्रोफाइल पिक्चर पे लाइक्स और कमेंट्स कम हैं। लड़की को एजुकेशन में, को एजुकेशन में पढ़ती है। लड़की मॉल में अपनी सहेलियों के साथ लंच करने गई और इंस्टा पे तस्वीरें भी लगाई। इसके अलावा भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ा मियाँ, एक एक कमेंट सच्चाई पे मबनी है। ओ माय गॉड। और फिर आप कहते हैं कि लड़के लड़कियां तो शादी करना ही नहीं चाहते। हमारी मतलब आप खुद सोचिए, रिश्ते नहीं मिलते। ये वही लोग इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं जो इन तमाम सिचुएशन में ना बाकायदा पूरी तरह से पार्ट ले रहे होते हैं। खुदा के लिए, आप लोग जब कभी भी रिश्ता देखने जाएं या आपके घर कोई रिश्ता देखने आए, प्लीज बी हु यू आर। जिसको आपको जैसे पसंद करना है ना, वो वैसे ही पसंद करेगा। यू डोंट नीड टू ओवर डू एनीथिंग, प्लीज। और वैसे भी आप कितनी देर कर लेंगे शादी के बाद, क्या बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चल जाता है? और फिर क्या होगा जब तो आप एक बाकायदा रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं, उसके बाद अगर सच्चाई का पता चल जाए तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? मतलब उस वक्त इंसान को वाकई में सोचना चाहिए कि हमने ये सारे झूठ बोले और शादी के बाद ये सारे झूठ खुल गए। क्यों यार, बिला वजह में, मतलब हु यू आर, बिलीव मी, वो जो राइट चिप होता है ना, खुद ब खुद आके फिट हो जाता है। यू डोंट हैव टू ओवर डू एनीथिंग, प्लीज। और वो तमाम अंकल्स एंड आंटीज जो ये सब कुछ करते हैं, खुदा के लिए आपके अपने घरों में भी बेटियां होती हैं, प्लीज़ नहीं किया कीजिए। आपको नहीं पता आप जिसके घर जाके जो भी माँ बाप को और बच्चों को, बच्चियों को या फिर बच्चों को इस तरह के कमेंट्स देते हैं, आपको नहीं मालूम होता उनकी ज़िंदगियों पे उसका क्या असर होता है। तो प्लीज़ यार, खुद भी ज़िंदा रहें, दूसरों को भी ज़िंदा रहने दें। वैसे ही वाकई में हालात अच्छे खासे ख़राब हैं और आप इस तरह की हरकतें करके ना लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद यू नो ख़राबी लाते हैं। तो प्लीज़ वो लोग जो इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, स्टॉप डूइंग दैट। और इन केस आई टेल यू, अगर आप भी कहीं देखें तो प्लीज़ लोगों को ज़रूर समझाइए। ये हमारा मज़हब नहीं सिखाता, ना ही कोई माशरा इस तरह की हरकतें सिखाता है। आपको लगता है ये सब वैसे भी आप एक बात बताइए, आपको एक परफेक्ट लड़की या लड़का मिल जाता है, ठीक है, क्या गारंटी है कि आगे जाके एक बहुत अच्छी यू नो शादीशुदा जिंदगी गुजार सकते हैं वो लोग? यू नेवर नो, हर एक का नेचर डिफरेंट होता है। आपने तो अपेरेंटली बहुत सारी चीज़ों को देखकर बिल्कुल छान फटक कर ली, जितना छानिए उतने कंकर निकलते हैं। खैर, आपने फिर भी बहुत बड़ा तीर मार लिया और ठीक है, अल्लाह करे आपको आपके हिसाब से लोग मिल जाएं और फिर बाद में कोई चीज़ उस तरह से नहीं होती जिस तरह आपने सोची है। फिर आप किसको ब्लेम करेंगे कि यू विल थिंक अरे हमने तो इतना सब कुछ किया था? नहीं यार, ये देखो किस्मतों की बात होती है, तो प्लीज आप लोग इस बारे में सोचिएगा। ख्वाहिशों की बूंदे किसोया जाए ना मानो निंदिया फिरोया जाए ना, मानो निंदिया फिरोया जाए ना।
समां लेना शर्माए जो आंखें भर आए जो थम के रुक जाए दोनों जहां रुकी रहे मत है तेरी निगाहें जिसमें बसती है उसकी दुआएं अच्छा किसी मुसलसल कुंवारे की तरफ से आया, तुम्हारी यादें भी बिल्ली के बलूंगड़ों जैसी हैं, जितना दूर छोड़ के आऊं वापस आ जाती हैं। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ आपने देखा है बिल्ली के बलूंगड़े ऐसे ही होते हैं। चुनरी बेहाल है सुर है ना ताल है आजा सवारिया ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला देखी लड़कियां डरती थीं कि पता नहीं सास कैसी मिलेगी। 2020 में सासें डर रही हैं कि बहू ना जाने कैसी मिलेगी। तो साबित हुआ कि जो 1990 में डर रही थी वही 2020 में भी डर रही है। आप समझे ना। साथिया माधम माधम तेरी गिलसी साथिया साथिया सुन के हमने सारी गिलसी हाँ दिखती है जिस तरह से तेरी नजर मुझे भूल जाओ असद, मेरी शादी हो रही है। लड़का कौन असद, मैं तो अरसलान हूँ। लड़की उप्स, अरसलान तुम भी भूल जाओ और असद को भी मैसेज कर देना। तेरे लिए हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो तू जो पास हो फिर क्या ये जा तेरे प्यार में हो जाऊं ओके। बाबा जी कहते हैं पुत्र बीवी जितने छोटे कद की हो अच्छी होती है। मैं वो क्यों बाबा जी, बाबा जी इत्मीनान से मुस्कुराते हुए पुत्र मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। ओह माय गॉड, सुहेल की तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मुसीबत है। जरा सी दिल में दे जगा तू जरा सपना ले बना जरा सा ख्वाबों में सजा तू जरा
को मेरी जान पे बना, बिना तुझ पे मेरी जान पे बना। कैसे बताए कि तुझको चाहे यार, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो चुबा की आंखें तुझे समझ आए। दिस वन इज टू गुड। आप बताइएगा, आप लोगों को भी आदत है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सच बात है। और जरा चेक कीजिएगा, मैं अपने लिसनर से कह रही हूँ कि आप लोग जरा चेक कीजिएगा कि बाकी आपके भी तो हालात ऐसे नहीं है कि फेसबुक और व्हाट्सएप बिल्कुल मुर्गियों के बाड़े जैसी है, बार बार खोल के देखना पड़ता है किसी ने अंडा तो नहीं दिया। I'm sorry, this was really bad. सजदा तेरे सजदा, दिन रहन करूं ना ही चैन करूं, दिल कहीं क्या राज है जाने क्या कर दे, जैसे अंधेरों में तुम रोशनी बन गई, कर चांद तारों को मशहूर। In a short while, Imrul will be joining us, and my feeling. Hi, Imrul, if you are up, Kesi, if you can please check if you are listening our show. तो अच्छा जी, Imrul हमारे साथ थोड़े टाइम में होंगे और मैं आपके साथ उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी. So, yes. His full name is Dr. Imrul Kabir. He'll be joining us. आप Google पे भी सर्च कर सकते हैं. मैंने उनका YouTube चैनल का भी लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया है, और जी जनाब, उनका Facebook का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया आपके साथ. अच्छा जी, तो he has been practicing physical therapy since 1998 after receiving his New York State license. He completed his undergraduate program as an outstanding graduate while with two awards in research and thesis from the Philippines, and a doctor of physical therapy degree from Arizona, USA. Wow, Imrul, pretty impressive. He has worked in the Philippines, Bangladesh, Kuwait and the USA in various clinical and academic settings before opening his own practice called Active Healing Physical Therapy in 2013. He has attended several world conventions and continues to give lectures in Bangladesh and in the USA. Dr. Kabir has been named as an ambassador for Save the Children for his continuing support for the underprivileged children throughout the world. He speaks multiple languages, enjoys learning about indigenous cultures, and loves sharing his travel stories from 60 plus countries. Wow! Imrul, we are desperately waiting for you to come on radio. Yes, just in few minutes, Imrul will be joining us, and I'm sure it's going to be a wonderful show, and I wish I should have you for a little longer time. Okay, but I'm sure you are a busy person. You must be busy. And thank you so much for taking out time for our radio show and for our listeners. Yes, listeners, मैंने आपके आपके साथ इन जो लोग मेरे साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, मैंने Imrul से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले ही फॉरवर्ड कर दी थी. अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हों जो कि आप Imrul से पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं. और यस, आई विल फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस टू डॉक्टर Imrul, और इफ पॉसिबल वील यू नो हैव हिज आंसर्स हियर ऑन द शो, और मे बी यू नो वील इंशाल्लाह इनवाइट हिम अगेन ऑन द शो टू यू नो आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके आपके जो सवालात हैं मैं वो इसी शो में पूछ लूँ. तो अगर Imrul से आपको कोई भी सवालात पूछने हो, उनकी प्रोफाइल क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर कर ली है, तो आप मुझे जरूर बताइए और मैं उन तक आपके क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगी. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, दैट डेफिनेटली विल बी आस्किंग जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल. और जब तक आप मेरी चिली मिली वाली बातें सुने. बोल तलब
तेरी। अब आप में से किस किसने टेस्ट किया, आई टेल यू, मुझे जब पहली दफा किसी ने दी थी ना, ओह वाओ हेवन, यस मुझे बहुत पसंद आई थी। और अच्छा वैसे मैंने ना ये चिली मिले वाला फ्लेवर है ना वो पहले भी खाया था, और वो ऐसे है ना थोड़ा ऐसे जैसे रॉड जैसे बार जैसे होते थे शुगर कोटेड कैंडीज के जैसे, उसका नाम शायद मुझे भी याद नहीं है, तो वो भी बड़े मजे के यू नो डिफरेंट कलर्स में मुझे बड़े फैसिनेट करते थे व्हेन आई वाज अ किड। और जी मैं भी कभी बच्ची थी, हाँ मैं हमेशा से इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं भी बच्ची थी तो मैंने भी वो वाला बचपन गुजारा है जिसमें ना लिख करके खा रहे होते तो वो ना मुझे बहुत पसंद आती थी, वो थोड़े से ऐसे फ्लोरेसेंट जैसे कलर होते थे लाइक नियॉन ब्लू एंड यू नो वो ऑरेंज से कलर के और स्पार्कली ग्रीन कलर के, वो कैंडीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद होते थे। तो बचपन में जब कभी वो खाए थे, और वो तो फिर बाद में तो मुझे याद भी नहीं, उसका नाम भी याद नहीं रह गया था। और तो जब मुझे किसी ने चिली मिली दिया था तो मैं उस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ था, और यू नो समबडी गेव मी जस्ट यू नो दिस इज अ मूड चेंजर एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या चीज है मूड चेंजर, अच्छा ठीक है चलो मूड वैसे भी तब बुरा हो रहा है, ओह माय गॉड ब्लास्ट हो गया था, इतना मजा आया था। आई एम सॉरी मैं चिली मिली की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए आपको कभी भी ना ऐसा हो बोरिंग सा फील हो रहा हो ना तो यू मस्ट ट्राई दिस, जस्ट हैव चिली और मिली, मुझे चिली ज्यादा पसंद आई थी, मुझे लगता है उसका मिजाज मेरे जैसा है। सॉरी क्या हो गया सनाशमी सुहेल, आप खैर चिली तो नहीं, मैं तो मैं कौन हूँ वैसे, अगर मैं अच्छा हाँ वैसे एक बात बताइए, अगर आपको अपने आप को किसी स्पाइस की शक्ल में बताना हो कि आप कैसे हैं तो आप आपके अपने बारे में क्या बताएंगे, मुझे जरूर बताइए लिखकर। किसी ने मुझे देगी मिर्च लिखकर भेजा पूरी बात क्या बदतमीजी है, ये गलत बात है। तो अच्छा मेरे फ्रेंड्स भी ना फिर मेरे ही जैसे वो फौरन ठग से हाजिर जवाबी का मतलब मुजाहरा करते हैं, मैं खैर हाजिर जवाब तो नहीं, मैं तो बहुत अक्सर तो पूरी जाती हूँ सवाल ही क्या था, खैर मुझे किसी ने कहा देगी मिर्च हो, बड़ी बात है मैं देगी मिर्च तो नहीं हूँ, अच्छा खैर शुक्र है काली मिर्च नहीं बोला, हाँ मैं डर जाती ग्लो एंड लवली के पीछे पड़ जाती। ओके अच्छा मुझे किसी ने भेजा है कि जितनी खूबसूरती डार्क कॉम्प्लेक्शन में होती है इतनी खूबसूरती, दिस इज सो ट्रू क्योंकि फेयर ऑब्वियसली होते ही होंगे, लेकिन जितने शार्प फीचर्स आप नोट कीजिएगा व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन में या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन में, जितने शार्प जितने खूबसूरत फीचर्स लगते हैं ना वो मेरे ख्याल में जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले वो उस चीज़ को इन्जॉय नहीं करते, इसीलिए यू नो ब्यूटी ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से गिवी दी हुई नेमत है और वो हर चीज़ बहुत हसीन लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर यू नो शेयरिंग दिस विद मी कि जितने हसीन फीचर्स डार्क कॉम्प्लेक्शन में लगते हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन में नहीं लगते हैं, ये फैक्ट है, आप चाहें तो उसको ज़रूर नोट करके देखिएगा। अच्छा जी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और मैं उन मैसेजेस को पढ़ देती हूँ। सना आपी योर शो इज़ वेरी नाइस, साजिद थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई शो, ओ वाह किसी ने मुझे ना पिक्टोरियल मैसेजेस भेजे, मैं कैसे पढ़ूँ, किसी ने बोला शामी कबाब शाम के बजाय अगर दोपहर को बनाएं तो क्या उन्हें दोपहरी कबाब कह सकते हैं, कह दें भैया आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं। वैसे मैं बताऊँ शामी कबाब की एक हिस्ट्री है, हाँ जी देखिए मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करती हूँ कि जो शामी कबाब हैं इनको शामी, अच्छा हाथ उठाइए वो तमाम लोग जिनको पता है कि शामी कबाब को शामी कबाब क्यों कहा जाता है, देखिए ये वाली कमेंट तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि मतलब यू नो क्योंकि शाम को पकाए जाते हैं इसलिए शामी कबाब हैं, जी नहीं ये तो मजाक की बात थी, ठीक है मैं आपको सच्ची वाला फैक्ट बताने जा रही हूँ कि शामी कबाब को शामी कबाब क्यों कहा जाता है, आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है शामी कबाब को शामी कबाब क्यों कहा जाता है, खैर मजाक अपार्ट मैं सारे इधर उधर मतलब मजाक के अलावा मैं आपको बताऊं, मजाक तो खैर अपनी जगह पर है, तो एक्चुअल में ये मुल्क शाम की नस्बत से शामी कबाब कहा जाता है, जी जनाब ये मुल्क शाम की स्पेशलिटी है और वहीं से इसका इसी मुनासबत से इसको जो है वो शामी कबाब कहा जाता है। अच्छा किसी का सवाल है, अच्छा तो चप्पल कबाब चप्पली कबाब
बता दें तो भाई यार, पेशावर में चप्पल बड़ी मशहूर है, पेशावरी चप्पल, तो वहां से चप्पली कबाब मशहूर हो गए। किसी ने मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन दी, चप्पल कबाब खास तौर पर गाय के गोश्त से बनाए जाते हैं, मगर चप्पल कबाब बकरे, भेड़ और मुर्गी के गोश्त से भी बन सकते हैं। चप्पली कबाब पश्तों के लफ्ज चपरख 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 ओके चपरख से निकला है, जिसका मानी है गोल, फ्लैट या चपटा। पख्तून चप्पल कबाबों में मकई के बजाय गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन के कबाब जरा हल्के होते हैं। ओके तो आपको समझ में आ गया कि चपली कबाब को चपली कबाब क्यों कहा जाता है और शामी कबाब को शामी कबाब क्यों कहा जाता है। शामी कबाब को शामी कबाब इसलिए कहा जाता है कि मुल्क शाम से मुनासबत है उसकी। और इस तरह मैंने चपली कबाब के बारे में भी आपको, आप बताइए, खुद बताइए किसी शो में आपको कबाबों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती मतलब वाह सनाज में आप क्या कर रही हैं। ओके Okay, so let me try Imran's number so that we can have him here on the show. Dear listeners, Imrul will be with us in few minutes. Here we go. पिंड दिया शहर दिया दो पर रुका
प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए नैनों में किसी के खो गया, की करिए की करिए, रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, do you know मैं तेनु किन्ना प्यार कर दी, do you know मैं तेरे उत्ते किन्ना मर दी, धीरे से मेरी जिंदगी में आया, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर Hello, Sana, how are you? Good morning. I am good. How is yourself today? I'm doing well. Thank you so much. So, listeners, Dr. Imrul Kabir. Imrul, I hope I am pronouncing your name correct. Yes, it is correct. Okay, so Dr. Imrul Kabir is with us, and there are questions with us for you. So before I start on mm-hmm. with those questions, I would like you mm-hmm. to tell us about yourself to our listeners. What do you do, and since how long you have been in this profession? Sure, yes. So my name is Dr. Imrul Kabir. I'm a physical therapist. I was born in Bangladesh, and then because of my father's job, he was working as the ambassador for Bangladesh. Mm-hmm. So we moved from one country to another. So at one point, we were also living in Pakistan. That was during the 80s. And then we moved to Philippines, and then we also lived in Kuwait. Through the process, I picked on the languages where I was living. Wow. And that helped me a lot for my profession. So while I was in the Philippines, I did my undergrad in physical therapy. Mm-hmm. And then right after that, I came to US with a scholarship in 1998. And then I passed my license exam for physical therapy. But then again, you know, I didn't work. I moved with my parents to Kuwait, but I worked in Kuwait at a very big, you know, government hospital, and then I moved back to the US in 2004. So it's been 23 years that I'm practicing physical therapy, and since 2004, New York is my home. Wow. Okay. Wow. You have, you know, such rich experience, and you have been to, I guess, 60 plus countries you mentioned in your profile. Impressive, man. So, in my free time. Yeah. I love traveling in my free time. Yeah. Oh, wow. That's fantastic. Even mm-hmm. I do, but that's different these days. We are just, you know, housebound. Okay. So, yes. Imrul, where you True. Enjoyed most? Which country you enjoyed most? Like, you know, living. You see, each country has its uniqueness. Uh-huh. That is the reason why it's hard to pinpoint, a favorite city or a favorite place or a favorite country, because I enjoy the culture, the uniqueness, the people, the sceneries. Each country is beautiful, I would say. You know, I've been to Switzerland, I've been to Peru, I've been to South Africa, but mm-hmm. I cannot say that Switzerland is more beautiful than South Africa. Oh. Each country, I think, has its uniqueness. Okay. But when it comes to home, New York will always be home for me. Oh. Big effort. That's I know, because New York is New York. I just know that, you know. Yes. If you have lived in New York once, mm-hmm. You won't find a New York. You know what I really like about New York is
is the welcoming attitude everybody has, and they are so welcoming. This is what I felt. Mm-hmm. I don't know what people say about what their experiences are, but even I enjoyed thoroughly in New York. Mm-hmm. I have lots of friends there. Some of the friends are in Jersey as well, so I know New York is New York. So Emrul, this is the question we have received from one of our listeners. Okay. He's our regular listener, Saad. He's asking that tell us about any of your challenging case and the method you use to treat the patient. I see. You see, Saad, the challenging cases have been a lot during the 23 years of practice. There were, there were too many to mention. Uh-huh. But you know what hurts the most when you lose a patient? Uh-huh. When the patient dies, that's what I mean. Uh-huh. So it has happened to me when I was working in a big hospital in Kuwait. It's called Mubarak Al-Kabir Hospital. Uh-huh. And so I had treated a patient with Alzheimer's disease for many months, and he became independent. He started to walk by himself. Wow. And move around. And then suddenly the next morning, I went to see the patient and I saw his bed empty. And I asked the nurse, what happened? And she said he passed away last night. Oh, so God. That was sad to see, because someone that I was working with for so many months, and suddenly and I saw so much progress in him. And suddenly one morning I go to work and I don't see him in bed. So that's one hard thing. And also it's hard to work in ICUs, because you see patients dying every single day. Also, during treatment, I remember one patient died during my treatment because he was having massive stroke and both of his lungs were filled with fluid, and we were trying to get the fluid out. And during the treatment, during the process, he passed away. So these are, I think, the difficult moments. But otherwise, when it comes to the outpatient practice, we are pretty flexible. If one thing doesn't work, we always try something new, something different. This is, I know, actually it's part and parcel of this profession, because I'm sure you must be having a very strong heart that this is for me, a person like me. It's I listen to this. Mm-hmm. And it's for me, it's difficult for me to imagine the situation, but yes, obviously, since you are a doctor, I'm sure you must be having all those skills how to handle such situation. Okay, there is another question for you. This is Iram is asking this question. How would you approach a patient who refuses to work with you or follow treatment suggestions? Jo ke hamari, Imrul, you are comfortable talking in Urdu as well, like Hindi? Yes, I am. तो because मेरे listeners जो हैं वो mixed हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं. तो आप how would you answer to this? कि obviously बहुत सारे patients होते हैं वो आपकी treatment को लेने से इनकार करते हैं. तो फिर उन लोगों के साथ मतलब क्या तरीका आप इख्तियार करते हैं? No, how you treat them? जो आपकी treatment ही लेने नहीं चाहते, they are not helping. Now, it happens. It happens all the time. It happens especially with older people in nursing homes, especially in American setting. You see, also, the treatment that it varies from country to country, culture to culture. Here, you see, the older people usually would refuse treatments a lot of times because they think that they are just doing well, whatever they are able to do. What we can do is we can educate them, we can instruct them, we can tell them the benefits. I know sometimes the treatment can be painful. For example, getting out of the bed, walking, going up and down the stairs, walking in the garden. So sometimes it is painful for these people. And it requires a lot of work physically from them. And it requires a lot of motivation. I think reaching out to their level, explaining to them, being sensitive to them emotionally, culturally, religious, social wise, and explaining to them. And even after that, they refuse the service, they refuse the treatment or the exercise or the therapy,
then you cannot force, or you should not force, because as an adult who has the right to decide what is good for them, you have to respect that. But you know, you should do your part in explaining to them what you think can be done and is best for them. Okay, so other than, like, obviously I know your job must be very busy, and it's like I know doctors' duties are 24 hours, that I entirely understand, but other than that, what do you do? I have heard that you have your own YouTube channel as well. Yes, so aside from seeing patients, so I do a couple of things. I maintain my YouTube channel as much as possible. And then I have become a little more active during the pandemic, reaching out to the community. You know, there's a big Desi community here in New York, and especially the East Coast of US, New York, New Jersey, Connecticut, and Pennsylvania. So again, I'm making videos, reaching out to our communities. And then also, you have interviewed my friend, my colleague, Casey before. So yes. Casey and I are also involved with a nonprofit organization called SA Voice. Okay. So it is South Asian American Voice. So we're reaching out to the Desi community and trying to educate them. So this is, again, a part of my activities that I'm doing right now. And I also do a lot of TV shows. These are local television channels here in New York. Most of them are Bengali speaking. And again, you know, giving them health tips, doing exercise classes for them once a week. So these are the things that are keeping me busy aside from my three clinics that I operate here in New York City. Okay. Emrul, like in these days, those who are following, social distancing, and obviously they are avoiding to go out much and they are mostly at home. So would you like to give any advice to our, elderly listeners that obviously, and obviously for rest of the family as well, how they should continue their physical activities at home to keep them, you know, active all the time? Because obviously if you're not going out, it has a lot impact right. mentally and physically. Right. So how they can keep themselves, you know, happy and, you know, physically and mentally sure. active at home? Sure. Yes. Both for elderly and even for young people, because the young people right now, they're doing their schools and colleges from home. Mm-hmm. Young people, young adults are working from home. Mm-hmm. So everything is now evolved around home. And especially the elderly, they have no opportunity to come out of the home because of the health concerns. So right now, it's very important that we take care of our physical health and our mental health. So what do you say? The number one suggestion that I have is to start an exercise program. It doesn't have to be a vigorous kind of exercise. Start with any kind of movement that are pain-free, that you can tolerate, and increase the intensity, increase the repetitions. It can be walking around your home. It can be walking around the lawn. It can be going up and down the stairs. It can be marching in place. Every 30 minutes while you're watching TV, get up, stretch, walk around, come back. And for the exercise, the recommendation is that you exercise 5 days a week out of 7 days, 5 days a week, and each day you do 30 minutes of exercise. These 30 minutes doesn't have to be all at the same time. You can do twice a day for 15 minutes. Exercise until you feel some sweat on your forehead. That's when you know that you're doing proper exercise or enough exercise that's going to benefit you. That is the protocol for exercise right now. And again, for young people, do moderate to even, you know, severe kind of intensity, an extreme kind of intensity. It's fine because you're young people. And also get into some kind of hobby that involves mental and physical function, like, for example, gardening or painting or walking your dog or cat or, aquarium, something that requires both mental and physical, function. And also maintain a healthy lifestyle by having healthy foods. Have more vegetables and fruits. Avoid too much salt, too much oil, too much sugar, and have more grains, and also have enough amount of water. When you're not exercising, 8 glasses of water per day. If you're exercising, 10 glasses of water per day.
Have enough vitamin D, vitamin C, and zinc, because that boosts your immune system. So these are some of the things that will actually, and also very important that stay away from the negative news. Yes, that's most important. Too much YouTube, too much Netflix, too much Facebook. Avoid all these. Use this screen time only for entertainment. And read books. There are so many websites that has free books. Like, for example, there's a web, it's called Many Books, MANYBOOKS. It has 50,000 free ebooks. Okay. And there are websites like Dare Dash that has free exercise classes. There's Silver Sneakers. They have free exercise classes for elderly. Okay. So again, use your screen time to learn, to entertain, but stay away from negative news. Oh. So these are some of the tips. Get enough sleep, meditate, pray. These are the tips to keep your mental and your physical self healthy. Yes. Okay. My phone is bombarded with questions from listeners. Obviously, I can't read out all those questions to you, but I feel this is pretty important. One of our listeners, Nimra Rashid, is asking this question that she's looking after her mom, and she feels that her mom is slipping into depression, and sometimes she has anxiety attacks as well. She's saying she tries to calm her down, but at once this all starts, and please help me out. How can I calm her, since I cannot take her out, and it's difficult to tell my mom that this situation is not good outside. So she's asking how she should handle her mom in such a situation where she's going through this anxiety attack. Yeah. So yes, I think that your mom, your mom's situation needs a professional to look into her situation first, to look into her case. I would suggest that if you cannot bring her out because of the pandemic, reach out to a professional via phone or via app and see that how she can be helped. Because there could be many causes of anxiety or depression. Loneliness is one of the factors. Stress is one of the factors. You would also see if she is having eating disorders, sleeplessness. So again, I would say list down all the symptoms that you notice, list down all the trigger factors that you notice, and then seek to a professional. Sometimes medications help. Sometimes supplements help. Sometimes she would just need someone to be with her and support her. So again, the treatment modes are various depending on situation or case. I would suggest that you write down all the symptoms that you see in her. You write down all the trigger factors and then seek out to a professional via telephone or an app and see if that helps. Okay, so thank you so much, Imrol, for such fantastic advice. I'm sure, Nimra, you will follow this, and you must consult a proper doctor as well and follow these fantastic advices from Imrol. Okay, so Imrol, I have one question. This question is from my side. Sure. So what do you hope to accomplish as a physical therapist? What do you hope you want? Well, what I hope to accomplish, I think that, I see a lot of elderly people from the Desi community here in New York, and I see in them that not only they come to me with pain, they are suffering with pain for months, for years, sometimes for decades, and my job is to take care of that. But with that also, I see that they suffer from loneliness in this country, since they're living by themselves sometimes, or the children are out working or going to college. They suffer from loneliness and stress and sleeplessness and anxiety and depression. So our long-term goal is to provide them kind of service where they can have a center where they can come for their physical and mental health. They can come for recreation. They can come for social services. They can come for their health-related concerns. So that's a future goal for me, to take care of our elderly, especially in this community that I work right now, in Queens and in Brooklyn. So
and there are thousands of them. So I think it's a big task, but you know, it would also require many members from my community to come forward and help me for that. Wow, a beautiful, beautiful thought, Imrul, and wish you all the very best. Our prayers are with you. May you accomplish your, you know, the goal. Thank you so much for giving us time. And before we say tata, we would like you to, you know, give little tips to our youngsters if they want to enter in this profession. So how they should go about it, how they should, you know, because here, especially if I'm talking about Pakistan, there is not, you know, people are not explained about what exactly this field is, physical therapist field, what it is about. And we do have certain colleges here. I'm talking about Karachi. Mm-hmm. There is one, I guess, Liaquat National Hospital, and now Aga Khan University. If you have heard about Aga Khan, because they have presence globally. I know about that. The potential in physical therapy field is endless. You know that every year, just in America, we need 23,000 more physical therapists to fill out the empty spots. But again, the we are not able to, because we do not have enough qualified physical therapists. And that's the reason why we always are looking for therapists to come into the country, get the license and work in the field. But also in Pakistan and many other developing countries, the opportunities again are endless. You can work in a private practice, you work in a hospital, you can work in a nursing home, you can work in home health, you can work in pediatrics or in the sports field. Now, before you come into the field, first you have to decide that is this field really for you? You know, I got into physical therapy when I was 14 and a half. That was many years ago in 1992. So, you know, you first have to decide that if you're willing to take a chance, willing to take the risk, go through the extensive education, because I know just like in US, in Pakistan, physical therapy is a doctor of physical therapy program. So it's a 6 to 7 year program. And it's a very extensive program where you have to have a lot of knowledge, a lot of money to finish the program. And then after that, you also have to struggle initially to establish your name in the field. So if you're willing to do that and take the risk, and then I guess that this is the field for you. And again, as I said, that the opportunities are endless. If you're willing to take risk and go out of country, gain more experience, and perhaps come back to Pakistan and practice, again, you know, you definitely would never be out of patients. Patients are always there, but it's up to you really what is your passion and your desire. Wow. Thank you so much, Imrul. This was really fantastic. I wish we can have you frequently on our show. This was such a wonderful you know, interview, I would say, though just, you know, for a very short while. But you must have heard this Tintin is coming at the back, because these are the messages bombarding my phone. And I'll forward you those messages, or probably if you have, you know, time, you know, you may come over some other day as well on our show. It would be a really honor for all of us. Thank you so very much. And happy holidays. No problem. Enjoy your time. And, happy holidays. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Okay. Take care, Sana. Okay. Take care. Khuda hafiz. So, this was Imrul with us. Let me just. Where's the background? I am so impressed that my listeners are pretty much active here, and they have been sending messages. Yes, we invited Imrul for a very short while, but inshallah, soon in the coming days, provided Imrul has time, we'll have him again, and then I'll keep all the questions. Thank you, Casey. Casey was also there with us. Thank you so much, Imrul. Indeed, it was a fantastic. So indeed, it was a fantastic interview, and I am so impressed. And I guess my radio show is going where I wanted. I always wanted it should go towards, because
रेडियो का मकसद इट्स नॉट लाइक आई डोंट नो, बहुत सारे लोग शायद दूसरे तरीके से लेते हों, और मैंने बहुत अरसे के बाद ये वेब रेडियो के बारे में सोचा. शुरू में तो मेरा इतना इरादा नहीं था. फॉर मी एक्चुअली आई टेल यू, रेडियो इज अ मेडिसिन. यस, मेरे लिए एक थेरेपी है रेडियो. बजाते खुद जो है वो मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मुझे बस सिर्फ रेडियो याद रहता है. तो मेरे लिए यू नो आई एम ऑलवेज, व्हेन आई एम ऑन द माइक आई फील सो एक्साइटेड. एंड यू नो इट्स लाइक फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ, कुछ तो कहते हैं कि कैथारसिस का भी एक तरीका है रेडियो करना. तो मेरे लिए तो इट्स लाइक यू नो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जाके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और एवरीथिंग इज लाइक वाओ, माय पैशन इज देयर. यस, आई लव डूइंग रेडियो. और मैं इतने टाइम तक मैंने बहुत कोशिश की रेडियो से दूर होने की भी. ऑब्वियसली दानिस्ता नहीं, वो जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी थी कि जो मुझे शायद उस तरह से इस तरफ नहीं आने दे रही थी. और अभी भी बस मैं थोड़ा सा टाइम निकल जाए एंड आई बी आउट ऑफ द चेंज, आई गो आउट अगेन. और मुझे फिर मे बी यू विल हियर मी ऑन सम स्टेशन, लेट्स सी अगेन. तो फिलहाल तो खैर वेब रेडियो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है. अच्छा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे होते हैं कि आप कौन से चैनल से कर रही हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ. वैसे मैं मैसेजेस के थ्रू भी बता देती हूँ, वो ये कि मैं अभी किसी चैनल से नहीं कर रही हूँ रेडियो, और मैं सिर्फ वेब बेस्ड रेडियो ही कर रही हूँ. बट इंशाल्लाह गॉड विलिंग जब ये सब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल हियर मी अगेन. और वो जो हमारे पुराने लिसनर्स हैं दे नो वेयर आई डू शो. और फिलहाल तो खैर वेब बेस्ड रेडियो ही चलेगा. और आप लोगों के इतने सारे, अच्छा मैं जब बात कर रही थी इनसे इमरूल से, तो वो बार बार मुझे ना मैसेजेस आ रहे थे टन 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 टन. तो मुझे, मेरा ये दिल था ऑब्वियसली आप लोगों ने टाइम निकाला और अपने मैसेजेस भेजे. तो उन कुछ उसमें से कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं जो कि वाकई में अटेंशन की जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो प्लीज़ मेरे तमाम लिसनर्स, आपने जो मैसेजेस भेजे हैं आप इस बात का यकीन रखिए कि वो सारे मैसेजेस मैं डेफिनेटली, दिस इज माय प्रॉमिस, आई एम गोइंग टू रीड देम. और मैं डेफिनेटली एमरोल से भी शेयर करूंगी. और हमें देखिए कब उनसे टाइम मिल पाता है दोबारा. तो वी विल रिक्वेस्ट हिम टू कम अगेन ऑन रेडियो, और अगर वो आप सबको इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकें. उसके अलावा मैंने एमरोल का फेसबुक का जो है आपके पास एड्रेस शेयर कर लिया है, और उनका मैंने यूट्यूब का भी जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया है. तो आप इमरूल से डायरेक्ट भी उनको, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर उनके फेसबुक पे भी आप चाहें तो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं. और यस, यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ आवर रेडियो शो एज वेल. आई बिलीव इमरूल वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. और थैंक यू सो मच केसी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस विद इमरूल, ही सच अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी. बिकॉज अच्छा, कुछ लोगों से बात करने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि हाउ दे आर, यू नो उनका दिल कैसा है. सेम इज एज केसी, आई टेल यू केसी इज ऑल्सो यू नो द सेम काइंड ऑफ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू नो पीपल. शी वुड नॉट आस्क हु आर यू, वेर आर यू फ्रॉम, शी इज जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट. दिस इज सो वंडरफुल, सो ब्यूटिफुल, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद सच फैंटास्टिक फ्रेंड्स. एंड नाउ रोल इज ऑल्सो यू नो विद अस इन दिस friend circle, and I hope this friendship will go far. और और मेरे सारे रेडियो लिसनर्स तो मेरे साथ हैं ही. थैंक यू सो मच. अच्छा, आज आपको लग रहा होगा कि आज क्या हो गया, सना हमें कुछ सुनवा नहीं रही है. तो आप सना को सुन रहे हैं, काफी नहीं है? नहीं, मैं सुनवाती हूँ. मैं जरूर सुनवाती हूँ. वन मिनट. मेरे बारे में है तेरा हाथ सारी जन्नत मेरे साथ हो, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जानिमा, जो खिलड़ जावे सारी रात नींद न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे, पावे पावे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का सावन आया है. चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, बेली बन जा तू मेरी रानी, तेन महल दबा दूंगा, बन मेरी महबूबा मैं तेन ताज पवा दूंगा. ओ ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना,
such an old song, no? ni mitran mar mukave ni dil vich varda jave unakra phul dikhave ai ni tera kukka 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 bilo ni tera kukka 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 kukka. आजकल ना मुझे ये वाला सॉन्ग बड़ा पसंद आ रहा है. मुझे पता है थोड़ी सी आपको, वैसे आई एम श्योर आपको भी पसंद है. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सर्च द सॉन्ग, आई विल प्ले जस्ट इन अ वाइल. क्या ख्याल है आप भी, कुछ सच्ची सच्ची बात बतानी है मुझे कि ये जो 2 घंटे होते हैं, मतलब इट्स बीन अ मंथ आई गेस और मोर देन दैट, सच बताइएगा क्या इन 2 घंटों में यू नो आपका थोड़ा बहुत मूड अच्छा होता है, हाँ या ना? बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना है. मैंने कुछ नहीं किया. बदला ये मौसम, ठंड हो गई है, लग प्यारा जग सा, वो तो हो नहीं है भाई. ठा करके. अच्छा चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अपना फेवरेट वाला सॉन्ग. ओके ओके So this is my favorite song these days. Acha, okay. Any guesses? Yeah, Long Dilachi. I just love this Long Dilachi. वे तो लौंग वे मैं लाची तेरे पीछे आगवाची तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी डायमंड डिवेयर्स लाची कुड़ी कच दी कवारी वे मैं चंबे दे पहाड़ा शाम वे मुंडिया संडली संडली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संडली संडली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया थोड़ा
That's so true. So, I hope you liked it. Good evening. Wow, I want you to listen to this as well. घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं अजीब एकदम से डिस्को हो गया ना ये तेरे काजल का रंग हाँ मेरी आंखों के संग गोरी तुम वो दिन गोरी तुम वो दिन याद करो Are you on the dance floor? तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग गोरी तुम वो दिन याद करो गोरी तुम वो दिन याद करो घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं वो पिछली रात को वो जुमे रात को तेरी गली से मैं गुजरा था कड़क धूप में वो तेरे रूप में मेरे दिल को यूं जकड़ा था एक कटोरा झलकता किरणों सा दमकता तेरे हाथों में मुझको है याद मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं I guess this was like मतलब बिल्कुल ही ना माहौल चेंज हो गया था अगर तू साथ वापस स्लो पता नहीं मुझे नहीं मालूम आप लोगों को ये वाला एक्सपेरिमेंट पसंद आया था नहीं बिकॉज आई जस्ट लव्ड इट मैंने कल परसों सुन रही थी अच्छा कुछ ये मैं मैसेजेस पढ़ दूं वो हैं अब्दुल मोहम्मद अच्छा ठीक है जी अब्दुल मोहम्मद उन्होंने बहुत सारे इन्होंने फ्लावर्स भेज दिए थैंक यू सो मच अब ये किसके लिए हैं अब्दुल मोहम्मद आप मुझे जरूर प्लीज बताइएगा और जी कौन है आप ही आप हमसे बात क्यों नहीं करती हैं? अच्छा जी आकाश निषाद अच्छा यार आपका नाम बड़ा मुश्किल है आकाश निषाद और मुस्कान आर्या यार आजकल मतलब जी आप ही आप हमारा फोन क्यों नहीं रिसीव करती हैं? अच्छा जी मैं जरूर कर लूंगी और कैलाश पटेल अच्छा कैलाश थैंक यू सो मच यार धमकी मत दो तुम लोग मैं तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ लूंगी और कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता नहीं जी एहसान जरूर आपसे बात कर लेंगे इसमें कौन सी खास बात है और बस ये है कि मैं अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं एक दिन ऐसा रखते हैं कि जिस दिन हम सिर्फ फोन कॉल्स लेंगे और जिस दिन सिर्फ हम मैसेजेस लेंगे बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि जब मुझे लाइव कॉल्स लेनी होती है ना तो मुझे वो एक बिल्कुल अलग पोर्टल पर जाके और वो अच्छा जी
ओके अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को किसी को भी लेजेंड कह देने की आदत है, तो जनाब लेजेंड जो है ना वो सब जाने के बाद बोला जाता है, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों जिंदगी में लेजेंड बना देते हैं। चलिए भाई अच्छी बात है। अच्छा तो Shalina is saying, Api, your show is going fantastic. Thank you, Shalina. Thank you so much. If you are the same Shalina who is with me on the Facebook, just give me a hi so that I can know. Smile and boy. Aapko kya acha lagte hai? Okay. Acha. पता नहीं क्या, आई एम सॉरी, पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा, वो पता नहीं उन्होंने अपनी ना एक रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। खैर तो जनाब आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा ये, ओह ये वाला सुना दियो आपको, आई एम श्योर यू आर गोना लाइक इट। टा 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 ओप्स नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस वन। Okay, you're quiet because I have to play this. So, any guesses? Yes, this one. Dur jitna bhi jaaye, dil chahe tujhe aa, tujhe mile to dil le kawe rehna nahi. मैं बिन तेरे जेड़े भी साने भी छोड़े पर भूल जा सारे, मेरे को लुकाया ना कर, अंज मैंने तू सताया ना कर, अज सारे दुख सुख बोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साथी कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रो सितारे तेरी राह पे रख दिए, भूल के इस जहां को तेरी चाह में ही दिए, दिल तेरे हूं गुजारा नहीं, तेरे तो कोई प्यारा नहीं, कर दाए गल्ला हर कोई हूं तेरे बारे, झूठा नहीं मैं सुनते सही, बड़ा नहीं दिल देते सही, ना मेरा बिच रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे वे आजा दिल जा From where I've brought this. You liked it. This was Atif Aslam. This is so true. अच्छा जी, जैसे कि हम आपको गाने तो सुनवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहती हूँ आपसे कि यू नो जस्ट थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और समझने की, आई एम श्योर आप खैर माशाल्लाह सब लोग बहुत समझदार हैं। तो जनाब कहना ये था कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एट दिस टाइम इन दिस वर्ल्ड, द आंसर्स आर नॉट इन द बॉक्स। पता है होता क्या है, कभी कभी सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि जो आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही होती हैं,
तो आजकल जो हालात नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम सब पूरी दुनिया एक ही पॉइंट पर आके खड़ी हो गई है, और जो भी मसाइल, जो भी हालात का सामना हम सब कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर प्रीवियसली हिस्ट्री में देखा गया है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, ठीक है. मेरा इशारा, मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्वियसली नाम लेके डिस्कस नहीं करूँगी, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक माई शो कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई डेफिनेटली वॉन्ट यू ऑल, ऑब्वियसली सिंस वी ऑल आर हेयर टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड वी ऑल आर फ्रेंड्स, और दिस इज वॉट जस्ट कम्स इन माई माइंड, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एज वेल कि दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम दैट वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आपको दिखाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है, तो एक्चुअली हम लोग पता क्या, कभी कभी ना कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, वहाँ बड़े नाइव बन जाते हैं. जो भी हमें फीड किया जा रहा होता है ना, ऑटोमेटिकली हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वी जस्ट यू नो स्टार्ट टेकिंग इट एज, जिस तरह हमें भरा जा रहा होता है ना, हम उसको उसी तरह लेना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही, वो ये कि इस दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, रादर फीड किया जा रहा है. ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड फीड किया जा रहा है. ठीक है, फिर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, फिर स्कैंडल्स भी हैं, फिर कंट्रोवर्सीज भी हैं, फिर रे ऑफ होप भी है. वी ऑल लुक फॉर ऑब्वियसली in such dark time, dark to I would not say, ke there is always hope. Hamara iman hame is baat ki ijazat nahi deta ke hum mayus ho, hame apne rab ke sath zaat se pura bharosa hai. Inshallah ye waqt bhi guzar jayega. To aap you start thinking out of the box. अगर कोई चीज़ आपको बताई जाती है, दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, फीड की जाती है, तो आप सबसे पहले देखिए कि वो कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फिर उसको अपने अकल के पैमाने पर परखिए. ठीक है, इस वक्त आप तमाम लोग जो भी अपने लिए फैसले करेंगे, डिसीजंस लेंगे, यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो प्लीज़ बी वेरी श्योर कि आप किन 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 चीज़ों को चूज़ करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल और अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप उसको किस तरह फॉलो करते हैं, किन चीज़ों को आप ऑप्ट करते हैं, किन चीज़ों से रिफ्रेन करते हैं अपने आप को, ये सब कुछ सब इस वक्त आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ करना है. ठीक है, आप क्या चॉइसेस रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो बहुत एहतियात से सोच समझ के ही फैसला कीजिए, और बिल्कुल अपनी किसी भी चीज़ को एज इट इज़ मत ले लीजिए. चलें एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको एक सिर्फ हिंट दे रही हूँ. ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली नॉट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट एनीथिंग. प्लीज़, आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक माई शो कंट्रोवर्शियल, आई डू नॉट वॉन्ट टू, इट इज़ जस्ट आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज़ योर ग्रे मैटर. ओके, दिस इज़ जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, इज़ यूज़ योर ग्रे मैटर. एक कंपनी है, ठीक है, दे हैव अल्हम्दुलिल्लाह कम अप विद, दिस इज़ व्हाट ओनली गॉड नोज बेटर व्हाट इज देयर, बट यू नो एक कंपनी आती है और वो एक क्लेम करती है कि देर इज़ अ रेमेडी टू दिस पेंडेमिक. ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर आप, सिंस वी ऑल आर लुकिंग फॉर, एक अंधेरे के अंदर कहीं से भी रोशनी की किरण हो जाए, वी ऑल रन फॉर इट. ठीक है, तो आंखें बंद करके ना किसी भी चीज़ की तरफ मत भागिए. अगर कोई भी चीज़ आप तक लाई जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से लाई जाती है, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ के बारे में ज़हनी और अकली तकाज़ों के ऊपर उसको परखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी बात लेती हूँ. ठीक है, एक कंपनी है, वो अपनी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़, अद्वियात या फिर कोई भी चीज़, कोई भी वैक्सीन है, कोई भी चीज़ वो इंट्रोड्यूस करवाती है. आप एक काम करें, सिंपली यू नो ऑब्वियसली सिंस इट हैज़ ऑलरेडी वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन बन गए हैं, इनरोल भी हो गए हैं, और लोगों ने वॉलंटियर भी करना शुरू कर दिया, और लोग पहुंच भी रहे हैं, और यू नो दे आर टेकिंग पार्ट इन, आई वुड कॉल देम ऑल सोल्जर्स, ऑब्वियसली दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड आउट ऑफ ऑल दिस. और तो जब ऐसा सिचुएशन आती है, तो आपने क्या करना है, आप सिर्फ एटलीस्ट पिछले 10 सालों में जाके, पीछे ऑब्वियसली इंटरनेट पे तमाम डाटा अवेलेबल है, ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़िए, आप प्रीवियसली उनकी क्या रेप्यूटेशन रही है,
उन कंपनीज की. और यू नो पिछले 10 साल आपको विकिपीडिया पर मिल जाएंगे, तो आप जाके आप ज़रूर पढ़िए और देखिए कि उस कंपनी का ट्रेंड क्या रहा है और मतलब यू नो हाउ दे हैव बीन डीलिंग विद यू नो सच काइंड ऑफ ऑब्वियसली पेंडेमिक्स. तो पहले तो बहुत अरसा पहले गुजर चुकी हैं जो आलमी वबाएं गुजरी हैं, तो लेकिन खैर ये एपिडेमिक्स तो होती ही रहती हैं दुनिया के किसी न किसी हिस्से में. तो इन कंपनियों का और इनकी अद्वियात का क्या किरदार रहा? Simply what you have to do, you just have to research. That's it. I'm not saying anything. Please, I'm not asking you not to take vaccine. I'm not asking you to, you know, go against it. No, please don't. Just be responsible and do research or whatever you decide for yourself or your loved ones before, going for anything. Just research. That's it. Simple. एक छोटी सी लाइन में कि उस चीज़ को देखिए समझिए और उसी के बाद फैसला कीजिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आपको पता है, आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ये बड़े मज़े की चीज़ है. पता है ये ये एक आपको मैं बताऊँ, बाकायदा ये एक रिसर्च है, ठीक है, और एक बड़ी फेमस और रिनाउंड यूनिवर्सिटी के अंदर इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया है कि in the 60s, okay, in the 60s era, the KGB did some fascinating psychological experiments. Imrul, and if you and Casey are still here on the show with me, so I would like you, both of you as well, to listen to it, that in the 60s, the KGB did some fascinating psychological experiments. They learned that if you bombard human subjects with fear messages, listeners, please, thoda sa attentive. Ye ek choti si baat before the end of the show I wanted to discuss with you, that in the 60s, the KGB did some fascinating psychological experiments. They learned that if you bombard human subjects with fear messages non-stop, in 2 months or less, most of the subjects are completely brainwashed to believe the false message, to the point that no amount of clear information they are shown to the contrary can change their minds. Gee, this is what I want you to understand. ये जो fear messages spread किए जा रहे हैं ना, ठीक है, non-stop. आप note कीजिएगा. एकदम से you know when this thing started, तो बहुत fear messages share किए गए. और फिर चीज़ों को बड़ा normalize करके दिखाया जाने लगा. लोग बड़े नॉर्मल रूटीन की तरफ आने लगे और फिर यू नो एकदम से दैट फेयर गेम अगेन. ओनली अल्लाह नोज के व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड. आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है, प्लीज़ आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि मेंटली अटेंटिव रहना है. डू नॉट एक्सेप्ट और यू नो फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली. थोड़ा सा ना उस चीज़ के बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें, समझिए और अपने ऊपर यू नो एज इट इज़ अप्लाई किसी भी चीज़ को नहीं कर दें. किसी को इजाज़त मत दीजिए कि वो आपके दिमाग से खेले. तो आपने बहुत जिम्मेदारी का सबूत देना है. उसकी वजह ये कि हमारे ना ये दिस इज़ ये हमारी नीड है इस वक्त कि हमें चीज़ों को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना है. और यस, ये टाइम है, मुश्किल टाइम है, नो डाउट एवरीवन इज पासिंग थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम. और आप देखिए इस वक्त यूके के अंदर एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन डेवलप हो रही है, जहाँ पर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और यू नो नेगेटिव थाट्स आ रही हैं एवर सिंस दे आर लिसनिंग अबाउट यू नो द म्यूटेशन ऑफ दिस थिंग. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में स्लिप हो रहे हैं. तो ये वो वक्त है जहाँ पर हमें अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना है और वी हैव टू प्रे टू आर गॉड के यस वी हैव मेड मिस्टेक्स. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इस चीज़ से महफूज रखे, इंशाल्लाह, आमीन. हमें हमारे प्यारों को इस चीज़ से महफूज रखे. इसके साथ साथ देखिए हर एक मज़हब जो है ना वो होप देता है अच्छाई की तरफ, कि अगर आज मुश्किल है तो कल इंशाल्लाह आसानी है,
इन अल्लाह मान उसरी यूसरा, तो इस चीज़ को अपने जहन से बिल्कुल नहीं निकलने दीजिए, ठीक है? ये वक्त मुश्किल का है और यकीन मानिए वी ऑल आर इन द सेम बोट। तो उम्मीद का दामन बिल्कुल मत छोड़िए और अपनी होप को यकीनन रखिए कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और बुरे वक्त को की सबसे अच्छी बात यह है कि वो गुजर जाता है। जी, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन, आई ऑलवेज कीप इट इन माई माइंड और इट डज गिव मी करेज के यू नो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल यू नो वी हैव फेथ इन आवर गॉड एंड इंशाल्लाह वील कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन सून। रिमेंबर बिफोर आई एंड द शो, रिमेंबर दिस, एवरी थिंग हैपन्स फॉर मी नॉट टू मी। या आई होप यू लाइक दिस लाइन, और मैंने नहीं मारी मुझे किसी ने भेजा था। तो जनाब हमारा शो आज कहीं ख़त्म होता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 डू लिसन टू मी टमोरो संडे सेम टाइम 8 to 10 PM। और कल हमारे साथ एक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होंगे, जी, और वो कौन होंगे? आई थिंक आई शुड डिस्क्लोज इट टुडे, नो tomorrow, yes, I'll tell you all tomorrow who is joining us। और बड़ी कलरफुल सी पर्सनालिटी है और वो बहुत मजा आने वाला है आपको। जी, ये तो मैं आपको ना शर्त ये बता दूंगी, आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहिए आप लोगों ने कि मैं एक छोटे से बॉक्स के अंदर आपके लिए सारे फ्लेवर्स ला रही हूँ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आप वहां घर में आराम से, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक मेरा शो सुनना है। और जो लोग शो का कोई भी हिस्सा मिस कर देते हैं उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन अगर आप को पसंद आया तो उसमें लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और अपनी कमेंट से मुझे प्लीज मुस्तफीद कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिटरली आई फील सो हैप्पी व्हेन आई रीड योर कमेंट्स, आई टेल यू मेरा तो बिल्कुल दिन बन जाता है सुबह सुबह ना, जब मैं अपना चैनल खोलती हूँ और अपना फेसबुक का पेज देख रही होती हूँ और ना मैसेंजर के ऊपर जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस आए हुए होते हैं ना, आई टेल यू मेरी सुबह हसीन हो जाती है। तो जनाब लग जाइए मेरी सुबह हसीन बनाने में और मैं इंशाल्लाह इसी तरह सैटरडे और संडे आपके लिए शो करती रहूंगी। और 8 बजे से 10 बजे तक कल बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपने यहाँ पर आना है। और मैं चल कल सुबह मैं बताती हूँ आप लोगों को, ऑब्वियसली ऑन द फेसबुक आई विल टेल एंड ऑन द व्हाट्सएप एज वेल हु इज गोना जॉइन अस टुमारो। टिल देन फ्रॉम माय साइड अल्लाह हाफिज। एंड बिफोर दैट मैं एक बहुत मजे की चीज़ें, आई वॉन्ट यू टू प्लीज लिसन टू दिस, प्लीज सुन लीजिएगा और ये सुन के बाय-बाय करिएगा। यस, आई एम श्योर मुझे आजकल ये बड़ा पसंद आ रहा है वाला सॉन्ग, आई रियली लव दिस सॉन्ग दीज डेज। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज और आप इंजॉय कीजिए। झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी
शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता